हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज मैं शाम के समय तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है प्लॉट पर कन्नू के पापा सुबह से गए हुए हैं। खाना पीना खाए बिना ही वैसे चले गए थे और फिर बाद में आए थोड़ी देर के लिए। ये कह रहे थे कि थकान हो गई है बहुत ज़्यादा, तो आराम करने के लिए हम 10-5 मिनट के लिए आराम किया और फिर चाय वाय पी करके फिर से चले गए। तो मैं देखने के लिए जा रही हूँ कि कर क्या रहे हैं। मतलब सुबह से शाम होने वाली है, 5 बजने वाले हैं। 5 तो बज भी गए हैं, 5 तो बज गए हैं, 5 बज गए हैं। तो इसीलिए जा रही हूँ देखने के लिए। बच्चों को भी साथ में लेके जाऊंगी, घर का सारा काम निपटा के जा रही हूँ और फिर आकर के खाना वाना बनाऊंगी। ठीक है जी, आजकल हमने दोपहरी में है ना आराम करना बंद कर दिया है बिल्कुल। 2-4 मिनट के लिए आराम करते हैं क्योंकि कन्नू है, बार बार आवाज लगाता रहता है, आराम नहीं करने देता बिल्कुल भी, 1 सेकंड के लिए भी। तो 2-4 मिनट के लिए वैसे लेट जाते हैं और वैसे बात करता रहता है, बोलता रहता है मम्मी मम्मी मम्मी, माँ माँ माँ, हम भी हाँ हाँ करते रहते हैं। और जमे हमने इतने सारे तोड़ दिए, बस अगर हमने 15 दिन लगातार जमे तोड़ दिए ना, और ये कनस्तर हमारा फुल हो जाएगा। अब इसमें तो झाड़ू पोचा सारी जगह बिल्कुल फिट कर दिया है, सिंगवा भी दिया है, उधर कमरे में भी साफ सफाई कर दी है बढ़िया तरीके से बिल्कुल, चादर वादर भी ठीक कर दी है। ये रेडी हो गए अपने पापा के पास जाने के लिए। और पापा के लिए क्या लेके जा रही है? वाणी का जीरा लेके जा रही है। और ये बाबूजी ग्लास, निकर में जाओगे कच्चे में जाओगे? ऐसे ही छोड़ पहनो। नहीं हम नहीं जाने के अभी। हाँ बेटा अभी आ रही हूँ, रुको रुको वाणी का, अभी आ रही हूँ मैं भी आ रही हूँ, मेरे लिए रुकोगे आप? तो जो दुपट्टा सूट के साथ का था ना, वो बहुत ही बेकार था, बहुत ही सिल्की सिल्की सा है और उससे पसीना भी नहीं कुछ रहता। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, बहुत ही ज़्यादा, और बारिश आई थी लेकिन बारिश के बाद भी गर्मी है। कन्नू गिलास लेते आना बेटा, जल्दी लाओ। हाँ बेटा चलो आ रहे, ऐसे करिए ऐसे। अच्छा ठीक है चलो, हम ऐसे ही खेलेंगे हाँ। पकड़म पकड़ाई, ठीक है पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, चलो दोनों भाई बहन। कन्नू आगे देखो, आगे देख के, बाइक चल रही है वहाँ पे रोड पे। गुद्दी मैं गंदा हो रहा, सारा बिल हो रहा पसीने में। तू एक काम कर, यहाँ बैठ जा। पकड़ लो भाई को, पानी पिलाने के लिए आपको गिलास भी लेके आया। पानी का मेरे लिए जलजीरा लेके आई है और ये मेरे लिए खाली गिलास लेके आया पानी पिलाने के लिए। आज मैं सुबह से यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ ना, है तो वानी का पापा कितना काम कर रहे हैं यार। तो भाई हालत खराब हो रही है गर्मी में, गर्मी बहुत है और ये सारी की सारी ईंटें चुपके उधर लगा दी है। और अभी इधर क्यों लगाई? तो बहुत सारा काम बाकी है अभी और हम लगे पड़े हैं, आज बन रहे हैं मजदूर। हाँ लुल्लू भी है यार। अरे पापा वो आगे बहुत सारी बात बताती है वानी का, जो मैं देखता भी नहीं, यहाँ पे लुल्लू घूम रहे हैं तो वही बता रही पापा को, है हाँ। और एक वो वहाँ पे वो खड़ा था, वो मैंने देखा ही नहीं अब तक, है ना, वही बताया पापा को कि वहाँ पे वो आ गया है ना। बैल आया, बैल बैल आ गया है, तुझे पता है बैल काटते भाई? ये सुबह से ही है क्या बैल यहाँ पे? बैल है, गाय है। अच्छा प्लॉट में पानी पानी भरा पड़ा, अब इसकी गिराई होगी ना तो इसलिए पानी का जो रास्ता है वो भी निकलने की जगह नहीं रही बिल्कुल भी। और गिराई करने के बाद में लग रहा कि हाँ प्लॉट है, नहीं तो छोटा सा लग रहा था। और पीछे आराम से 2 कमरे आराम से बन जाएंगे। और टंकी का भी फिटिंग इन्होंने करा दिया साथ के साथ। और ये देखिए पिलर विलर खड़े होकर के, प्लॉट तो काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में वैसे, लेकिन लंबा ज़्यादा है। और जो हाँ नहीं बेटा चोट लग जाएगी, नहीं वाणी का नहीं 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 हाँ। अब कब कब से होगी, मैं कब से होगी वो स्टार्टिंग वो डलना? वाणी का यहाँ पे बैठ के अपना जीरे का आनंद ले रही है जो खुद लेकर के आई थी, और इसके पापा यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। मतलब ये देखो जिसके लिए लेकर के आई थी वो तो पी नहीं रहे, खुद पी रही है, पिया नहीं उन्होंने, ये कह दिया तू ही पी ले खुद। तो जैसे ही प्लॉट में आए ये
वाणी की फ्रेंड आ गई पास में से ही, और ये भी सामान ले रहे हैं खाने पीने का, तो इसके लिए लेकर गए हैं। और भी लेना है? नहीं, वाणिका ने मना कर दिया है, कन्नू ने ले लिया। वाणी ने भी ले लिया, आराम से पियो वाणिका, ठीक है? हम भी ऐसे खाते थे कभी। पानी लिया है कन्नू आपके लिए? वाह भाई वाह, गुड बॉय बन गया ना कन्नू। ये हाथ से जल्द अच्छे से निकलेगी, आप हावले से ज्यादा ताकत लगा रहे हैं इनमें। भले ही बहुत सारी इंटे हैं इसमें तो, और ये उसके साथ में ही जैसे भरा कराओगे आप, उसके साथ में ही दब जाएंगी सारी की सारी। आज ही निकलवा दो इन्हें। मेहनत कर रहे हैं बच्चे, सारे लाइन लगा करके बैठ गए, हंसी मजाक कर रहे हैं, और इतनी ऊंचाई में बैठे हुए हैं यहाँ से, तो वाणिका को तो चोट लग सकती है, लेकिन ये जो बड़े बड़े बच्चे बैठे हुए हैं इनको नहीं लगेगी। तो ध्यान भी रखेंगे वाणिका का, आपको भी चोट नहीं लगेगी क्योंकि आप भी बड़े हो गए हो, ठीक है? ये अर्णव है, ये सायरा है, और ये मेरा, और ये वाणिका, और ये अंशिका न। ये बैल उधर के काम करने के लिए उधर चले गए ना, डरा सा सहमा सहमा सा इधर आ करके खड़ा हो गया, और लेकिन इसको ये नहीं पता कि वे कुछ नहीं कहने के, और बिल्कुल भी इसने मारे मत बेटा, मार मत इसके, रहने दे बाबू, नहीं 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 मारे ना। पानी का भी इसको मना कर रही है, गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी भाई, निम्बोली नहीं है ये, निम्बोली नीम का पेड़ थोड़ी ना है ये। नीम का पेड़ नहीं, बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, डांस बिगड़ने लगे, और वाणिका कन्नू मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। इधर ही आराम से वाणिका, तो वो भी कह रही थोड़ी सी सेवा में भी कर लो यहाँ पे हिंडी रखने की, क्योंकि मैं तो आज सुबह से लगा हूँ मजदूर बन के, और मजदूरी करने में वाकई बहुत डिफिकल्ट होता है, पर हम कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपना काम है तो करना पड़ता है। और देखो वाणिका भी देख रही, मम्मी काम कर रही है, हैं वाणिका सबसे ज़्यादा काम कौन करता है बेटा? पापा करते हैं। मम्मी भी करती है? मम्मी घर का करती है, पापा बाहर से करते हैं, है ना? और आपको सबसे ज़्यादा लाड कौन करता है? पापा करते हैं सबसे ज़्यादा लाड। और देखो ये बच्चे जब से खेल रहे हैं, जब से मैं तब मेरी किसी ने हेल्प करने नहीं आया कोई भी, है चोट लग जाएगी बड़े दो, और जैसे ही वो भी लगी ना तो सबके सब हेल्प करने के लिए आ गए। नहीं, नहीं, मुझे लग रहा कुछ ना कुछ तो बात है। हट दो हट दो, हाथ गंदा ना करो अपने, चलो हम कर लेंगे हम कर लेंगे। क्या है वाने का, मजा आ रही है, मस्ती आ रही है। चलो भाई मुझे करने दो काम, है ना, और आप करो जाके सब आराम। अभी जैसे कहाँ दिखेंगे फोटो, बहुत सारे टोले निकाल दिए, निकाल करके वहाँ लगा दिए। अब चल दिए बस घर की ओर, बच्चे है ना घर। हाँ लो जी आपके बना लेंगे हम तो। कन्नू भी अब खुल के वीडियो मारने लगा। ठीक है बाय बाय। अक्षित भी आ गया था यहाँ पे अभी अभी, और वाणिका को लेकर के जा रहा है, इसने भी टोले वोले निकलवाए थोड़े से हमारे साथ में, और यहाँ पे बिटोड़े बिटोड़े रखे हुए हैं। कन्नू जल्दी आओ घर। वाणिका घर पे आ गई है, और बस अब खाने पीने की तैयारी स्टार्ट होगी। बच्चे है ना, वाणी कन्नू कन्नू को आ जाने, यहाँ पे खिलौने मिल गए हैं, एक खिलौने वाले आ रहे थे
तो उससे दो बोल लिए, एक वाणिका के लिए, ये कन्नू की है ब्लू वाली, और एक है वाणिका की। वाणिका भी उधर अपनी बोल से खेल रही है बरामदे में। तो कन्नू कन्नू कैसे लगा आपको बोल से खेल करके? कन्नू अमरूद खा रहा है क्योंकि है ना अपर ईयर के यहाँ पे अमरूद हो रहे हैं बहुत सारे पके पके, और वहाँ से है ना अमरूद लेकर के आई थी मैं इसके वाणिका के लिए। वाणिका ने तो खाए नहीं लेकिन कन्नू ने खा लिए मैं सारे के सारे। कन्नू ने, कन्नू की फ्रेंड ने, और ये आरता वेदांस इसने भी खाए पिए हैं। तो देखते हैं आज खाने में क्या बनेगा। लोग के कोफ्ते कह रहे थे लेकिन कोफ्ते है ना लहसुन प्याज के बिना अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी, और हम जिनसे लहसुन प्याज नहीं डाल रहे सब्जी में, जिस जिनसे मैंने व्रत रखे बस पूरे श्रावण के। तो पता नहीं मेरा आज कौन सा श्रावण व्रत होगा, लेकिन मुझे ये तो है कि मैं है ना शाम के समय ही भोजन करती हूँ, दो रोटियाँ खाती हूँ बस।